अमेजिंग क्योंकि वो मेरा मोस्ट फेवरेट होने वाला है। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मार्केट है जिसको तुलसी बाग बोलते हैं, बहुत ही चीप प्राइस में वहाँ पे सब कुछ सामान मिलता है, जितने भी गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, सबके लिए, जेंट्स के लिए भी हो सकता है। वहाँ पे जाने वाली हूँ और आप सभी को लेके चलने वाली हूँ, तो चलिए मेरे साथ, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चलने वाले हैं। सो रेडी, तो लेट्स गो, लेट्स गो। मार्केट है ये विश्राम बाग वड़ा के जस्ट ऑपोजिट में है पुणे में, और यहाँ पे बहुत पुराना यहाँ पे टेंपल है तो उसके नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे एंट्री करी थी पार्किंग की बिल्कुल प्लेस नहीं थी। जैसे कि आप देखते हैं ये एंट्री पे लहंगे वगैरह रखे हुए थे बहुत ही चीप प्राइस में, लाइक 500 से स्टार्टिंग थी इन लहंगे की, एंड 1200 एंड 1500 तक बहुत अच्छे लहंगे मिल रहे थे यहाँ पे। अगर किसी को लहंगे वगैरह चाहिए तो आप वो ले यहाँ पे आके ले सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ मार्केट है, बहुत ही क्राउडेड प्लेस है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कुर्तीज मिलेंगी आपको, स्लीपर्स मिलेंगी, फुटवेयर्स, जो भी आपको चाहिए, एंड बहुत ही चीप प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं साइड में कुर्तीज लगी हुई हैं, ये कुर्तीज स्टार्टिंग है 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है कुर्तीज यहाँ पे, एंड 200-250 तक बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। एंड आप जो फुटवेयर देख रहे हैं ये 500 में 2 फुटवेयर्स भी देते हैं, लाइक 2 जोड़ी। एंड कुछ इसी तरीके का मैं आपको थोड़ा टूर करा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये जो कुर्तीज हैं एंड किस तरीके का मार्केट यहाँ पे है। सो नाउ मैं अभी ज्वेलरी शॉप पे आई हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ पेंडल्स आपको मिलते हैं, मंगलसूत्र मिलते हैं, ये सब 50 एंड 80 रुपीज़ से स्टार्ट है, एंड डिपेंड करता है आप कितना हैवी लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस जाते हैं, बट बहुत ही चीप प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है बाहर के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे दूर दूर से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ सैटरडे संडे में ट्राई कीजिए, मत आइए उससे अगले दिन में आइए। अगर आप कंफर्टेबल हैं इतने क्राउडी प्लेस में आना तो आप आ सकते हैं, बट ये बहुत ही अफोर्डेबल मार्केट है आपके जितने भी सामान से रिलेटेड। एंड अभी जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देख रहे हैं, पेंडल देख रहे हैं, ये 150 में पूरा सेट आपको मिल जाता है। एंड आप ये कुछ इस तरीके की मार्केट देख सकते हैं जो भी मैं आपको टूर करा रही हूँ। नाउ ये कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपके सामने मैं पीसेस दिखा रही हूँ, ये 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है एंड 200 तक 250 तक बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज के लिए भी बहुत सारी चीज़ थी, हेयर से यहाँ पे जो भी आपको जो चाहिए होता है, एंड मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, जो भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में सब कुछ यहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस में था। एंड मेरा तो बहुत ही फेवरेट मार्केट मुझे लगा, मैं यहाँ पे 2 बारी जा चुकी हूँ एंड बहुत ही अमेजिंग है। तो ये कुछ लिप लाइनर मैंने टेस्ट किया कि इनकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी इट्स वेरी गुड। एंड आप ये कुछ चोकर सेट देख सकते हैं गोल्डन में, एंड आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप देख सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी जिसे बोलते हैं। एंड ये कुछ मराठी ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो होती हैं, जो आप मराठी में भी पहन महाराष्ट्र में भी पहनते हैं एंड नॉर्मली भी आप जब पहनते हैं, ये कुछ इनके यहाँ की जो नथ होती है, मराठी नथ जिनको बोलते हैं, तो वो उसकी अलग अलग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में भी थी एंड सिल्वर ज्वेलरी में भी थी, गोल्ड ज्वेलरी में भी थी। इस तरीके के कुछ बेंगल्स आपको मिल जाएंगे। सो अलग अलग स्टॉल पे यहाँ पे इस तरीके की मार्केट लगी हुई थी। ये कुछ चोकर मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसका प्राइस था 100 रुपीज़ जो मैंने लिया है, ये मैंने परचेज कर लिया था एंड बहुत ही प्यारा था। एंड ये कुछ मैंने एक लिक्विड आईलाइनर लिया था जो जस्ट 50 रुपीज़ का था, एंड ये मेरी मोस्ट फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपको यहाँ पे मराठी ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, महाराष्ट्रियन ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है यहाँ की फेमस। तो यहाँ पे कुछ 250 से स्टार्ट होता है एंड इनका प्राइस 800 या 900 तक जाता है, जो बाहर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। एंड मंगलसूत्र बहुत ही अमेजिंग प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 50 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं एंड 80-100 तक मंगलसूत्र जाते हैं, जिनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। नाउ ये आप कुछ हेयर एसेसरीज देखेंगे जिसमें ये आपके हेयर बैंड्स मिल जाते हैं,
और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। हेयर बैंड देख सकते हैं, हेयर क्लिप्स देख सकते हैं एंड क्लचर्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स में ये अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप यहाँ पे जाते हैं। ये कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये इयररिंग ले सकते हैं, नोज पिन ले सकते हैं, बहुत ही चीप प्राइस में ये भी था, 10 रुपीज में एक सिंगल पीस मिल जाता है। एंड ये मुझे ज्वेलरी मेरी बहुत ही फेवरेट, 100 to 250 के अराउंड तक ये जाती है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, रीजनेबल प्राइस है इन सबका। सो अगर आप यहाँ पे नियर बाय हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए, बहुत ही अमेजिंग मार्केट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड ये जो बैंगल्स हैं इनका प्राइस 150 to 180 के बीच में ही था एंड बहुत ही प्यारा, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, ये नहीं कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं एंड आप यहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हमने कुछ ऐसे सोडा वगैरह यहाँ पे पिया था, तो इस तरीके के छोटे छोटे स्टॉल्स आपको हर जगह मिल जाते हैं। ये बेसिकली मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, सो आप यहाँ पे टाइम लेके आइए, 3 से 4 घंटे आपको ज़रूर चाहिए यहाँ पे स्टे करने के लिए, आपको यहाँ पे घूमने के लिए। सो अभी हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके के खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ पे लगे रहते हैं, तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। एंड जब आप मार्केट से जाते हैं तो कुछ इस तरीके के कुछ शोरूम्स टाइप बने रहते हैं एंड स्ट्रीट मार्केट बनी रहती है, सो आपको जो भी मन करता है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, चाहे वो अपने घर मटेरियल के लिए भी हो, कुछ भी आपको हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। नाउ जब हम ये वापस हम जा रहे थे तो वहाँ पे मैंने क्लिप नहीं लिया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि दिवाली आ रही है, कितने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो सबसे रिलेटेड यहाँ पे दिवाली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इवन मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने आप इसलिए क्लिप ली है सो दैट आप देख सकें और अगर आपको ठीक लगता है तो आप यहाँ पे जा सकें, जो भी नियर बाय यहाँ पे पुणे में रहते हैं और जो भी पुणे से बाहर भी अगर आप यहाँ पे कोई आता है घूमने के लिए तो यहाँ पे जा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि इतनी अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिलती नहीं हैं। सो जैसे कि आप फ्लावर्स दे सकते हैं, कुछ इस तरीके के फ्लावर्स एंड मंदिर से रिलेटेड आपकी जो भी चीज़ें होती हैं सो सब यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है एंड सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। तो शाम हो चुकी है और हम बहुत थक गए हैं। सो ये कुछ दिवाली शॉपिंग आप देख सकते हैं, इतने प्यारी प्यारी सी शॉप्स में स्ट्रीट शॉप लगी हुई थी, स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हर जगह ये इस तरीके से मटेरियल आपको मिल जाते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं वापस एंड शाम का टाइम देख सकते हैं और इतना रश हो रहा है जहाँ से हम निकले हैं एंड हम लोग बाइक में, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मेरी बराबर में गंगा। सो या दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो, ये ब्लॉग, ये मार्केट जो मैंने टूर आपको कराया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी पुणे में है वो यहाँ पे जरूर आइए एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, शिवानी कश्यप को चिल्जन बाय एंड टेक केयर गाइज़।